मार्केट जैसा हांडी पनीर कोरमा अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने आपसे वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी हैं जो घर पर हांडी पनीर कोरमा बनाते वक्त आपको बहुत काम आने वाली है। सो हाय गाइस, मैं हूँ अस्मिता, वेलकम बैक टू माई चैनल। अक्सर पनीर की सब्जी बनाते वक्त ये दिक्कत जरूर आती है कि पनीर को कैसे लंबे समय तक सॉफ्ट रखे और मार्केट जैसी कंसिस्टेंसी ग्रेवी की कैसे लेकर आए। सो आज मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हांडी पनीर कोरमा को। सो गाइस, हांडी पनीर कोरमा बनाने के लिए व्हाइट ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए है 15 से 20 टुकड़ा काजू, जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। अगर आप ऐसा करना भूल जाते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो इसे गर्म पानी में जरूर भिगो कर रखें। और फिर मैंने यहाँ पर लिए है 2 टेबलस्पून मगज यानी की तरबूज के बीज, इन्हें भी मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। और अगर आपको ना मिले तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है व्हाइट ग्रेवी का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है 3 मीडियम साइज के प्याज। इन्हें लंबा लंबा एंड पतला पतला काट लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह। अगर आप इससे ज्यादा पतला काट सकते हैं तो आप जरूर करें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे प्याज काट लिए हैं। इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। अब एक टिप, जब आप प्याज को तेल में डालें तो इस तरह हाथ में रब कर डालें ताकि जो इसकी एक एक लेयर है ना वो अलग अलग तेल में जाए। इससे होगा ये कि जो प्याज है ना वो इवनली ब्राउन होंगे एंड हमें परफेक्ट ब्राउन अनियन मिल जाएंगे। और इन्हें कंटिन्यूसली स्टर करते रहें ताकि ये इवनली पके। और जैसे ही आपको लगे ना कि प्याज धीरे ब्राउन होने लगे हैं तो आप एकदम एक्टिव हो जाएं, क्योंकि इस स्टेज पर हो सकता है कि आपके प्याज जल भी सकते हैं। और देखिए परफेक्ट ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं तेल से और टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देंगे ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल सके। और आप देखिए कितने परफेक्टली ब्राउन हुए हैं, मैं आपको हाथों में तोड़कर दिखाती हूँ। और आप देखिए कितने परफेक्टली टूट रहे हैं, यानी कि जो हमारा बरिस्ता है ना वो एकदम बढ़िया बना है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला है ब्राउन अनियन, फिर इसमें डाल देंगे काजू एंड फिर इसमें डाल देंगे मगज यानी कि तरबूज के बीज। अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट और डलेगा, वो अभी मैंने नहीं डाला है। पहले इन तीनों को ही ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे चौथा इंग्रेडिएंट जो कि है दही 3 टेबलस्पून। दही को डालते वक्त ध्यान रखें कि वो ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दही खट्टी है तो एक और टिप, इसमें थोड़ा सा दूध मिला दे, इससे जो आपकी दही का खट्टापन है ना वो एकदम बैलेंस हो जाएगा। इसे भी अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं परफेक्ट व्हाइट ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। इसे एक बोल में निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी व्हाइट ग्रेवी तो बनकर तैयार है। अब बना लेते हैं टमाटो प्यूरी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर। मैंने यहाँ पर देसी टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो हाइब्रिड भी ले सकते हैं। एक बार इन्हें ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में चलाकर, और आप देख सकते हैं हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। मैंने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है। सो फ्रेंड्स, हमारी टमाटो प्यूरी तो बनकर तैयार है। अब आता है मेन स्टेप पनीर को सुपर सॉफ्ट बनाने का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर। मैंने यहाँ पर डेयरी वाला लिया है, आप चाहें तो पैकेट वाला भी ले सकते हैं या फिर होममेड पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें क्यूब्स में काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े बड़े साइज के क्यूब रखे, लेकिन आप छोटे साइज के भी रख सकते हैं। हमें यहाँ पर पनीर को डीप फ्राई करना है क्योंकि हम मार्केट स्टाइल बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और हाँ, पनीर को फ्राई करते वक्त एक बात का ध्यान रखें, पनीर को ज़्यादा स्टर ना करें क्योंकि इससे पनीर टूट सकता है। आप देख सकते हैं पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। अब आता है मेन स्टेप, जैसे ही आप पनीर को निकालें उसे तुरंत पानी में डाल दें। पानी यहाँ पर जो है ना वो रूम टेम्परेचर का ही है। ऐसा करने से आपका जो पनीर है ना वो काफी देर तक सॉफ्ट रहेगा। आप इस ट्रिक को जरूर अपना के देखें, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। अब सारी प्रिपरेशन तो हो चुकी है, पनीर कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं हांडी पनीर कोरमा। तो उसके लिए हमें हांडी तो चाहिए ही होगी, तो मैंने यहाँ पर एक हांडी ली है। इस वक्त ध्यान रखें फ्लेम को बिल्कुल बंद रखें, हमें फ्लेम को नहीं चलाना है। और पहले हम इसमें डालेंगे तेल, मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल डाला है। अब तेल को डालने के बाद हांडी को इस तरह घुमाते हुए तेल को चारों तरफ फैला लेंगे। अब तेल चारों तरफ लग गया है, फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम हमेशा लो पे ही रखें। हांडी में खाना बनाते वक्त फ्लेम को लो ही रखते हैं, नहीं तो हांडी टूट सकती है। अब तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, धुएं छोड़ने लगा है, तो इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है 2 छोटे साइज के तेजपत्ता, फिर यहाँ पर डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, इसे हरी इलायची भी कहते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 लौंग,
लौंग ज़रूर डालें, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है पनीर कोरमा में। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा और सारे खड़े मसालों को धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लेंगे। सो खड़े मसाले तो अच्छी तरह पक चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन को कुछ सेकेंड्स के लिए पका लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। अब इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी और इसे अच्छी तरह स्टर कर देंगे और जैसे ही डालेंगे टमाटर साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इस स्टेज पे हम नमक इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो कुकिंग प्रोसीजर है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। और अब हांडी को ढककर रखेंगे 6 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 6 से 8 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं प्यूरी बढ़िया तरीके से पक गई है, ऑयल साइड में दिखने लगा है, ये एक इंडिकेशन है कि जो हमारी प्यूरी है ना वो पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे अनियन ग्रेवी जो हमने बनाकर रखी थी, इसे एक बार अच्छी तरह स्टर कर देंगे। इसे कुछ सेकंड्स के लिए कंटिन्यूसली स्टर करें क्योंकि याद है ना आपको इसमें हमने दही डाली है तो वो फट सकती है। तो चलिए ग्रेवी तो अच्छी तरह मिक्स हो गई है, इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, इससे अच्छा रंग आएगा। साथ ही में डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, किचन किंग मसाला 1 टीस्पून और साथ ही में डाल देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून और एक बार अच्छी तरह स्टर कर देंगे। और हाँ, अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए, हांडी को ढककर रख देंगे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब इसमें डाल देंगे पानी 1/2 कप, पानी को गर्म कर ही डालें। तो पानी डालने के बाद एक बार अच्छी तरह स्टर कर देंगे, हमें जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनानी है। और ध्यान रखें जब भी आप ग्रेवी बनाते हैं ना तो पानी को हमेशा गर्म करके डालें, इससे जो पानी है वो ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिल जाएगा। और पानी डालने के बाद एक बार फिर से हांडी को ढककर रख देंगे 2 मिनट के लिए ताकि जो ग्रेवी है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से पक जाए और अपने सारे फ्लेवर्स छोड़ दे। तो चलिए 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया पकी है। तब ग्रेवी पक ही चुकी है तो इसमें डाल देते हैं पनीर क्यूब्स जो हमने फ्राई करके रखे थे और एक बार अच्छी तरह मिला देंगे। और मिलाते वक्त ध्यान रखें कि इसे हल्के हाथों से ही मिलाएं, नहीं तो पनीर क्यूब्स टूट सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इसे हाथों में इस तरह रब करके डालें, इससे जो इसका एसेंस है ना वो निकल कर आएगा। और कसूरी मेथी तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है पनीर की सब्जियों में, अगर आपका भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही में डाल देंगे हैंडफुल ऑफ हरा धनिया बारीक कटा हुआ और एक बार अच्छी तरह स्टर कर देंगे। अब इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, मैंने यहाँ पर अमूल की इस्तेमाल करी है, आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसे यूज़ करने से पहले थोड़ा सा फेंट लें फिर डालें। तो क्रीम तो अच्छी तरह मिल चुकी है, अब एक ऐसा लास्ट स्टेप करेंगे जिससे कि जो हमारा पनीर कोरमा है ना वो एकदम मार्केट स्टाइल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर पनीर कोरमा को देने वाले हैं दम, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब हांडी पे लगा देंगे फॉइल पेपर और इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो अब 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देते हैं और साथ में ही हटा देंगे फॉइल पेपर। तो लीजिए कितना बढ़िया पनीर कोरमा हमारा बना है, देसी घी मेल्ट हो चुका है जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, तो लग रहा है ना एकदम मार्केट स्टाइल पनीर कोरमा। इस वीडियो में मैंने आपसे वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी है जिससे आप घर पर बैठे ही हांडी पनीर कोरमा बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है ग्रेवी की, तो लग रहा है ना एकदम परफेक्ट हांडी पनीर कोरमा। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे इसी तरह एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।